पवित्र परमेश्वर को ग्रहणीय तथा आत्मा के फल से परिपूर्ण भक्ति का जीवन, परमेश्वर की महिमा और आराधना करने का जीवन, या दूसरे शब्दों में यूं कहें मसीही जीवन यापन के लिए विवेक या भीतरी मनुष्यत्व एक अत्यंत सबल साधन है। ये हमारी सेवा के लिए भी उतना ही आवश्यक है। प्रेरित पौलुस ने तिमोथियस को उसके नाम लिखी प्रथम पत्री के 1 अध्याय और उसे 9 पद में जो कुछ लिखा है, हर एक भक्त को, ईश्वर की आज्ञा मानने वाले मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को पवित्र करने वाले विश्वासी को, उसकी सेवा करने वाले खोजियों को इन वचनों को आत्मसात करना चाहिए, अपने जीवन में व्यवहारिक अंग बनाना चाहिए। वचन है, परमेश्वर ने कहा, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास में बने रहना, सुसमाचार और साक्षी की सेवा में लगे रहना तथा सिद्धांतों की बातों की परिपालना में जागते रहना शुद्ध और अच्छे विवेक रखने की तुलना में अधिक सरल है। कई बार दुर्भाग्यवश सच्चे विश्वासी मसीही सेवक या पृथ्वी में बहुत लोग जो परमेश्वर से संबंध जोड़ते हैं, संत लोग, भक्त लोग, वे भी निर्मल विवेक के अभाव में बदनाम होते देखे जाते हैं, गिरते हुए देखे जाते हैं। प्रतिफल ये होता है कि वे कई प्रकार की कठिनाइयों से बाद में घिर जाते हैं। यदि हमें अपनी सेवा में सक्रिय और प्रभावशील बनना है, यदि वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह में समर्पित और सामर्थी जीवन के अधिकारी बनने को लालायित हैं, विवेक इस सब के लिए ना तो केवल आवश्यक है वरन कभी टाला नहीं जा सकता, वह अपरिहार्य है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन के इस क्रम में हम आइए मसीही सेवा के, ईश्वरीय सेवा के उन 5 विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करें जिनमें विवेक दृढ़ता के साथ महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक मसीहत के उत्तम पोषक प्रेरित याकूब ने अपनी पत्री के अंत के पदों में एक सर्वाधिक प्रिय विषय पर हमारा ध्यान खींचा है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। याकूब 5:19-20। भटके हुए पापियों को, खोए हुए मनुष्य के प्राणों को जीतना तथा परमेश्वर और प्रभु के राज्य में पवित्रता में उसको लौटा लाना, इस सेवा के अनुपम कार्य में विवेक सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार इसीलिए तो हम जगत में आए हैं, खोए हुओं को जीतकर प्रभु यीशु मसीह में ले आए। रोमियो की पत्री 9:1-3 में वचन कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही उनके लिए मैं मसीह से शापित हो जाता। प्रेरित पौलुस के हृदय पर अपने लोगों के बीच पहुंचने के लिए बहुत बोझ था। हम प्रभु के सेवकों को जो भारत में हैं, अपने हृदयों में भी इसी बोझ को रखना चाहिए भारत के लोगों के लिए। यद्यपि पौलुस सदा अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के सुसमाचार का सेवक कहलाया, तो भी उसके मन में अपने यहूदी वंश और इसराइली राष्ट्र के प्रति बड़ी चिंता समाये रहती थी। पौलुस का ये बोझ बनावटी, काल्पनिक या बातों वाला नहीं था, वास्तविक था। मैं भरोसा करता हूँ कि जब इन बातों को मैं कहता हूँ तो आप मुझे कतई गलत नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे डर है कि कभी कभी प्राणों को जीतना या साक्षी का कार्य करना हम बहुतों के जीवन में मात्र एक आडंबर बनकर रह जाता है। कुछ लोगों ने मसीह के नाम को और उद्धार सेवा के काम को अपनी रोजी रोटी का, दिमागी खाना पूर्ति का व्यवसाय बना दिया है।
कई उपदेशक और शिक्षक आत्माओं को जीतने को सुसमाचार क्लब बना लेते हैं। हर बार वे इसी गिनती में लगे रहते हैं कि कितनों के सामने उन्होंने प्रचार किया या कितनी संस्थाओं में उन्होंने लोगों को जीता, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, कितने लोगों को पानी का बपतिस्मा दे दिया वगैरह वगैरह। और मेरे विचार से ये गलत है। मैं सोचता हूँ लेखा जोखा बनाने में काबिल बनना ये तो अच्छी बात है। परमेश्वर के दास चार्ल्स स्पर्जन अक्सर कहा करते थे कि जो लेखा जोखा रखने की आलोचना करते हैं सामान्यतः उनके पास कुछ नहीं होता जिसे वे गिने। कितने लोगों को प्रभु ने जीता है, इस कार्य की प्रशंसा स्तुति परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने में मैं कोई बुराई नहीं देखता, परंतु परमेश्वर ही जानता है कि उनमें से कितने लोग सच्चे विश्वासी हैं। इस विषय में महत्वपूर्ण बात आपका आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, उससे महत्वपूर्ण आपकी सच्ची लगन है, आपका सच्चा विवेक है, आपका उसके चरणों में समर्पित होकर बैठना है। पौलुस के हृदय का बोझ वास्तविक था, दिखावे का नहीं। उसने कहा, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पहला पद, पवित्र आत्मा किस बात की गवाही देता है? इस सत्य के विषय में कि पौलुस के हृदय में भटके खोए हुए लोगों के प्रति कैसा निष्ठायुक्त और अविरल प्रेम था। हमें उसी भांति के प्रेम की आवश्यकता आज है। प्रेम से परिपूर्ण हृदय ही वास्तव में एक ईमानदार हृदय है, एक शुद्ध विवेक है। एक संदेशवाहक उपदेशक के रूप में मेरे लिए बाइबल की उन बातों को मानने एवं ग्रहण करने का उपदेश कर देना जिन्हें मैं नहीं मानता या जो मेरे जीवन में पूरी नहीं होती बहुत सहज हो सकता है, लेकिन ये कितनी खतरनाक बात है। संडे स्कूल शिक्षकों के लिए अपने विद्यार्थियों को एक ऐसे पाठ को पढ़ा देना संभव है जिसका स्वयं उस शिक्षक के जीवन में उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे में से किसी के जीवन में ये संभव हो सकता है कि हम खाना पूर्ति के लिहाज से साधारणतया साक्षी देने के आदि हो गए हों, खड़े हुए और साक्षी दे दी। खोए हुए लोगों के प्रति सच्ची चिंता या उनसे प्रेम रखने के कारण से हमें ये लगन नहीं होती, परंतु लोगों को दिखाने के लिए हमें लगन होती। परमेश्वर का वचन पत्रस के द्वारा, पत्रस की पहली पत्री 3:15-16 पद में हमें हियाव सहित कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। ध्यान करिए, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की साक्षी दें तो हमारा विवेक निर्मल और पवित्र हो, ये बहुत आवश्यक है। यदि हमारा विवेक सही नहीं है, अगर हम संपूर्णतः मन प्राण देह में परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं तो हमारे साक्षी देने में कोई शक्ति प्रकट नहीं होती है, उसका प्रभाव नहीं होता है। वो मात्र कानों की खुजली मिटाने वाली एक वचन की प्रैक्टिस होती है, एक प्रयास होता है। यदि जब मैं ये जानते हुए कि स्वयं मेरे हृदय में कोई चीज़ गलत है दूसरे लोगों के साथ सुसमाचार बांटता हूँ, परमेश्वर उस पर अपनी आशीष दे नहीं सकता। प्रिय श्रोता भाई और बहन, आप जिस भी प्रकार परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं आज इसे समझ लें कि शुद्ध विवेक आपकी सफल सेवा का पर्यायवाची है। मेरी प्रार्थना है हमारा प्रभु यीशु आपको एक पवित्र विवेक का सहभागी बनाकर आपके जीवन को मंगलमय, कल्याणकारी और आशीषयुक्त बना देगा। उसके पवित्र नाम में आमीन।